क्या बनेगा? फुचका। फुचका, पानी पूरी बनेगा। अच्छा लगता है, सबको पसंद है? हाँ। अरे वाह वाह, मुझे तो बहुत पसंद है। How do you feel? Drunk. Oh shit. मंदी अच्छी है। आंटी आंटी, मैं आंटी हूँ। अरे आप लोग चैनल फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर देना बेल आइकॉन। और आज है नवमी। नवमी के दिन हम लोग निकले हैं पंडाल देखने, नहीं एक बहुत ही कुछ स्पेशल जगह पे हम लोग जाने वाले हैं। अब वो कहाँ है कैसा दिखता है, कुछ एक्चुअली कुछ स्पेशल पूजा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो ऐसे को मतलब ऐसे ही वो देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि पूरा पूरा आपको जो भी है मेरे हिसाब से मैं आपको दिखा पाऊँ। एंड बिफोर दैट डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। आजकल आप लोग कॉमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वेदर यू लाइकिंग माई वीडियोज़ और नॉट। सो येस, डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन जो कि सब्सक्राइब के एकदम पास में रहता है। सो वट एवर वीडियो आई विल गिव यू विल गेट नोटिफिकेशन देन एंड देयर। सो येस एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ आर यू लुकिंग। ये है शिमला राजबाड़ी, नॉर्थ कैलकटा का एक बहुत ही मशहूर घर। इस घर की सुंदरता को ना मैं कभी खुद को बयां कर पाई हूँ और ना ही मैं कभी आपको बयां कर सकती हूँ। ये जो माँ दुर्गा की मूर्ति आप देख रहे हो, ऑथेंटिक माँ दुर्गा की मूर्ति ऐसी ही होती है, जिसे हम बंगाली में एकचालार ठाकुर कहते हैं। इन घरों की सबसे अनोखी चीज़ होती है इनकी आर्किटेक्चर, जो कि देखने लायक है। यहाँ की पेंटिंग्स, यहाँ के फोटो फ्रेम्स, एवरीथिंग अबाउट इट। और हम जिस समय में वहाँ पहुँचे थे तब संध्या आरती शुरू हुई थी। दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो आप कह सकते हो। और हर साल मैं जब यहाँ जाती हूँ तो इसी टाइम पे जाती हूँ ताकि मैं संध्या आरती देख पाऊँ। और आपको मैं सच कहूँ तो वहाँ खड़े होकर जब ढाक की आवाज़ आती है, पूरे घर में गूंज रही होती है, इसका अनुभव बहुत अलग है। अब मैं आपको ले चलूंगी एक और अनोखे घर में, दत्तो राजबाड़ी, जो कि द्वारिका भवन के नाम से भी मशहूर है। आप कभी कलकत्ता आते हो ना, स्पेशली दुर्गा पूजा के टाइम, तो इन घरों में ज़रूर ज़रूर आना। और सच कहूँ तो इन घरों में कदम रखते ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप किसी पुरानी बंगाली फिल्म के सेट पर हो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आर्किटेक्चर को लेके मैं क्या ही बोलूँ, जितना बयां करूँ उतना ही कम है। और ये उन्हीं के फैमिली के लोग हैं। और यहाँ मैं लेटर बॉक्स के पास अपने ही एक दोस्त को फ़ोन करते हुए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ती हूँ। दुर्गा पूजा के वक्त कलकत्ता में जो ये सारी रोशनी, चहल पहल, ये सब तो आपको कलकत्ता में आकर ही देखना पड़ेगा। ये है शाह राजबाड़ी। टू बी ऑनेस्ट, सारे घरों में से ये घर मेरा सबसे पसंदीदा है। कारण यही है कि इस घर की जो आर्किटेक्चर है, इस घर की जो सारी सजाने की चीज़ें हैं, ये मुझे बहुत ऑथेंटिक लगती है। और स्पेशली जो सजावट दुर्गा पूजा के वक्त यहाँ की जाती है, आई फाइंड इट वेरी जेन्युइन। और ये जो सारी यहाँ पेंटिंग्स है, सारी जो घर की चीज़ें हैं, वो इतनी अच्छे से प्रिजर्व की गई है, इतनी बारीकी से प्रिजर्व की गई है कि हर साल यही चीज़ें इस घर की शोभा को बढ़ाती है।
और सच कहूँ तो हर साल इस घर पे आके वापस जाने का मन नहीं करता। यहाँ जब आप शाम को आते हो, अगर आपने ये नहीं सुना तो क्या सुना। और अब है संध्या आरती का टाइम। मैं स्पेशली जब भी इन घरों में विज़िट करती हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं शाम के टाइम में विज़िट कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ की जो संध्या आरती होती है वो इतनी खूबसूरत होती है कि मैं आपको नहीं बयां कर सकती। यह है बानी प्रेस, नॉर्थ कलकत्ता में सिचुएटेड एक और खूबसूरत घर। इस घर की बात बाकी सारे घरों से अलग है। भले ही इस घर में इतनी चमक धमक नहीं है, इतनी रोशनी नहीं है, पर ये घर अपने आप में ही बहुत कुछ बोल जाती है। भले ही इस घर में लोग कम रहते हों, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कलकत्ता में ये जो सारे पुराने घर हैं ना, इनकी अपनी अपनी कहानी है। कितने लोग यहाँ रह चुके हैं, कितनी बातें यहाँ हो चुकी है, कितना कितना कुछ यहाँ के लोगों ने इस घर में होते हुए देखा है। मेरे लिए तो कलकत्ता यही है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है, दशमी, जिस दिन हम माँ दुर्गा को उनके घर वापस भेजते हैं। वैसे जाने देने का मन तो करता नहीं है, पर कोशिश यही रहती है कि बहुत खुशी खुशी उन्हें विदा कर पाएं। बचपन में माँ कहा करती थी कि बेटियों में, औरतों में माँ दुर्गा होती है। आपको क्या लगता है? आज अपना वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।